हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आरबी त्रिपाठी बुक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्लास 12 के 17 ए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर ए डॉट बी हम निकाल के देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका ए डॉट बी वेक्टर की बात करी है ऊपर और उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो दे रखा है ए डॉट बी वेक्टर, जबकि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपने छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है 11th के, उसमें देखा था आपने कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है वन होता है, बाकी किसी अदर दो अलग अलग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बाय द वे आई जे जे के आई एंड सो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो सारी चीजें कितनी हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें। तो यदि हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चले तो देखिए, यहां पर जो दे रखा है हमने लिखा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आई, ये जे, ये 5k वेक्टर और इसका मल्टीप्लाई हमारे को बी के साथ करना है। बी के एलिमेंट दे रखे हैं 3i, लेकिन देखिए यहां पर जे नहीं है तो जे को हम लोग 0j लिखेंगे और 2k हमारे पास आ गया। जब मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के वन होता है, उसी पर हम चले तो हमने देखा कि पहले हम लोग इस आई का मल्टीप्लाई 3i, 0j और 2k के साथ करेंगे तो भी वही चीज बनेगी, पर हम एक बार लिख लेते हैं। कैसे लिखा हमने, 3i प्लस 0j माइनस 2k, ओके, माइनस j का मल्टीप्लाई 3i प्लस 0j माइनस 2k के साथ हमने किया। साथ में लास्ट वाली जो डिजिट है आपकी वो 5k है, 5k का मल्टीप्लाई 3i प्लस 0j माइनस 2k के साथ हमने किया। जब हम मल्टीप्लाई किया तो आई आई वन हो जाएगा, बाकी चीजें जीरो हो जाएगी, तो 3 × 1 प्लस 0 − 0, ओके। इसी तरह यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 3 × 1, बाकी रिमेनिंग सब क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है कि कोई भी जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, तो इसी तरह से जे का इंटू यदि हम आई के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें भी क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। और जीरो का इंटू वन के साथ किया तो भी वह जीरो होगा। इसी भी आप पर यदि आगे देखें हम लोग तो फाइव का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना पड़ेगा, यदि के का मल्टीप्लाई पहले से कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2k बचेगा। ये चीज क्या की जाएगी आपकी, माइनस की चली जाएगी। जब हम देखें तो हमारे पास डिजिट क्या बनेगी, 3 − 0 और 5 × 2 से कितने हो जाएंगे आपके 10, ओके। अब हम देखते हैं कि 3 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 7 बचेगा। तो हम देखते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो -7 आपके पास मिल जाएगी। तो ध्यान